हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ये वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट चैप्टर का वीडियो देखने के बाद आप ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, और ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट करने के लिए आप bewiseclasses.com विजिट करके केमिस्ट्री का ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट 11th क्लास में है वो 11th का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जो स्टूडेंट 12th या 13th में है वो कंप्लीट केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। गुड इवनिंग, करें स्टार्ट रेजोनेंस। क्या होता है रेजोनेंस? रेजोनेंस क्यों आया? हम रेजोनेंस क्यों पढ़ रहे हैं बताओ? ठीक है, रेजोनेंस देखो क्या होता है। जो बेंजीन हम पढ़ते हैं ना, इसी को कहते हैं ना बेंजीन। ये बेंजीन है ना, हम इसको उल्टा ऐसे भी बना सकते हैं। सारा गेम इसी का करा धरा है ऑर्गेनिक में ना, ये वाला केस। दोनों एक ही तो बात है, सिमेट्रिक तो है दोनों, सही है ना। तो हमने क्या देखा, ऐसे यहाँ पे ये वन और इसको कार्बन टू दे दूँ मैं, अगर इसको वन और टू दे दूँ तो ये डबल बॉन्ड है। तो सी वन सी टू बॉन्ड लेंथ जो होनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? 1.34 एंगस्ट्रॉम आनी चाहिए। और यहाँ पे C1 C2 बॉन्ड लेंथ की अगर बात करी जाए वो आपकी 1.54 एंगस्ट्रॉम आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सिंगल बॉन्ड, यही होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब पाया गया तो ये बॉन्ड लेंथ पाई गई थी 1.39 एंगस्ट्रॉम, ना तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाली ना सिंगल बॉन्ड वाली, उन दोनों के बीच की कितनी पाई गई? 1 था ये 2 था, बॉन्ड लेंथ कितनी पाई गई थी? 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसा बोला गया कुछ यहाँ पे, ना तो सिंगल बॉन्ड है और ना डबल बॉन्ड है, यानी क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड करेक्टर दोनों है, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो फिर बाद में बताया गया कि ये ऐसा किसके कारण हो रहा है? रेजोनेंस के कारण हो रहा है, मतलब ये बॉन्ड है ना सब जगह रोटेट कर रहे हैं, सब जगह मूव कर रहे हैं, समझ आई बात? तो ऐसा होने से क्या हो रहा है, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर भी आ रहा है, समझ आई कि नहीं आई बात? अब देखो क्या होता है, ये हो गया, इसको बोलते हम एवरेज ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। और दीज आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्या कहते हैं इनको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, हाँ, कैनोनिकल फॉर्म्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, समझ आई बात? अब इस केस में दीज आर इट इज एवरेज ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, सबका मिक्सचर, समझ आई बात? अब जब ये स्ट्रक्चर पाया गया तो ये पाया गया कि दिस इज लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। क्या है? लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर है। और फिर बाद में इसको क्या बोला गया, लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर है, यही क्या कहलाया? मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। और यह ऐसा स्ट्रक्चर है जो बेंजीन की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है। क्या करता है? एक्सप्लेन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसा माना कि ये ऐसा हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और एक ये जो सबका एवरेज स्ट्रक्चर है उसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहा गया, समझ आई बात? तो इसलिए रेजोनेंस आ, रेजोनेंस एक्चुअल में होता नहीं है। रेजोनेंस क्या है? हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, ठीक है। तो जल्दी से पहले ये लिख लो, फिर पॉइंट्स लिखवाता हूँ। लिखा भाई, तो लिखो अब रेजोनेंस क्या है, जो आप देख रहे हो ना बोर्ड पे, बस हो रहा है, पतन देखा आपने कहीं ना? कहीं नहीं देखा ना। सो इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना। बेंजीन का स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, लेकिन उसमें ये घूमते हुए बॉन्ड आपको दिखाई नहीं देंगे। इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना, रेजोनेंस इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना। इट इज परमानेंट इफेक्ट, बताया था ना
ये मॉलिक्यूल में अपने आप होता रहता है, हमने तो कुछ नहीं किया ना, बेंजीन को टच नहीं किया ना, बस उसमें अपने आप हो रहा है। इट इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिना, इट इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। अब जो रेजोनेंस के बारे में मतलब रूल्स क्या होते हैं वो हम आगे लिखें या यहीं लिख लें? आगे लिख लेंगे ना, ठीक है, समझ में आ रही बात? एक बात जरूर लिख लो, है क्या, या लिखवा देता हूं यहां भी, रिवाइज हो जाएगा, लिख लो। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर टू शो रेजोनेंस, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर टू शो रेजोनेंस। क्या एटम्स मूव किए कार्बन वन कार्बन टू मूव किया कहीं पे, क्या हो रहा है? ओनली मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, है ना। लिखो, एटम्स रिमेंस इन दियर पोजिशन, ओनली मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर ओड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ओनली मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर ओनली मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर ओड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज टेक्स प्लेस, ठीक है, इन चीज़ों का मूवमेंट होगा, कभी भी एटम्स मूव नहीं करेंगे। समझ आ रही बात? ये आपको दिख भी रहा है। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? हाँ, इंट्रामोलिकुलर नहीं लिखवा मैंने, अभी लिखवा देंगे। जैसे एक और लिख सकते हैं हम लोग, एक वो लिख लो, लोन पेयर टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस इज नॉट कंसिडर्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसमें रेजोनेंस होता है, आगे हम देखेंगे कैसे होता है। तो आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, SP3, लेकिन ये जो रेजोनेंस ये पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में तो ये हम काउंट नहीं करेंगे इस लोन पेयर को। तो 2 सिग्मा तो स्टेरिक नंबर अगर फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, 2 सिग्मा 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर यानी 3, तो इसका ओनली SP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा ऑक्सीजन का। समझ आ रही बात? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक, जैसे अगर आपको ये भी दे दिया जाए, जैसे ये है एनिलीन, तो एनिलीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और उनको हम कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, ओनली बोलेंगे कि 3 बॉन्ड पेयर है, यानी 3 बॉन्ड पेयर के लिए 3 स्टेरिक नंबर और 3 स्टेरिक नंबर, तो दिस इज SP2 हाइब्रिडाइज्ड। ये बात समझ में आई या नहीं आई किसी को? जल्दी से नोट डाउन करो। लिखा भाई, लिखो फिर फास्ट। अच्छा, आपने क्या देखा, रेजोनेंस जो हो रहा है 2 मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है या एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है? एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इट इज एन इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना। रेजोनेंस इज इंट्रामोलिकुलर, रेजोनेंस इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है। रेजोनेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुनाद। नेक्स्ट आगे लिखें, हो गया यहां तक, चलो भाई आगे बढ़ते। इसके बाद क्या करना है देखो, लिखो नेक्स्ट, लिखो टाइप ऑफ सिस्टम। 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। पहला होता है कंजुगेटेड सिस्टम, जो हम ये डबल बॉन्ड वाले सिस्टम समझते हैं ना, कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं वो कंजुगेटेड पोजीशन पे होते हैं, या ऐसा बोल दो अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, और ओनली इसी कंडीशन में रेजोनेंस शो होता है जब कंजुगेटेड पोजीशन हो। दूसरा सिस्टम क्या आता है? कम्युलेटेड सिस्टम। कम्युलेटेड सिस्टम, ठीक, तो इसमें क्या होता है कि लगातार, जैसे एलिन इज ए कम्युलेटेड सिस्टम,
ठीक है, यहां पे रेजोनेंस होगा क्या? ऑल्टरनेट पोजिशन पे होना चाहिए था ना पाई बॉन्ड को, तो यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक, थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या समझे? आइसोलेटेड सुना है आपने? सुना होगा ना, ये पर्सन तो बिल्कुल आइसोलेटेड है, ये स्टूडेंट तो क्लास से आइसोलेटेड रहता है, मतलब क्लास से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जो समाज में ना रहता हो, समाज से आइसोलेटेड है। वैसे ही जैसे यहाँ पे ये एलिन है, ये एल्किन है, एल्काडाइन है, तो इस डबल बॉन्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इससे दूर, ये इससे दूर। ठीक, इसका कोई रिलेशन नहीं है, रेजोनेंस भी शो नहीं करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये भी रेजोनेंस शो नहीं करेगा, ओनली कौन सी कंडीशन में करेगा? कंजुगेटेड सिस्टम में करेगा। अब इधर देखो, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है हम देखते हैं, करें स्टार्ट। सबसे पहला कहाँ पे होता है? जैसे क्या हो सकता है? पाई बॉन्ड और पाई पॉजिटिव चार्ज क्या हो? कंजुगेशन में हो, मतलब पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में ओनली एक सिंगल बॉन्ड हो, एक कंडीशन ये होगी, ये रेजोनेंस शो करेगी। दूसरा, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में हो, वहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। तीसरा, पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में हो, ऐसा। फोर्थ, अच्छा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर? जब किसी का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एटम के पास आ जाता है, मान लीजिए हम बोलते हैं कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, हम यहाँ पे क्या करते हैं? होमोलिटिक फिजन करते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन क्या छोड़ जाएंगे अपना कार्बन के पास, ये क्या हुआ? लोन पेयर। ठीक, अब जब हम बॉन्ड बनाते हैं, जैसे H2O का बनाते हैं, ये बनाते हैं, ठीक, तो अब जब यहाँ पे हाइड्रोलिटिक फ्यूजन होता है, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास छोड़ जाता है, और हम इसको फिर ऐसा शो करते हैं कि ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, सो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। डिफरेंस समझ में आया? वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो। यह हो गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? पाई बॉन्ड जो है ओड इलेक्ट्रॉन, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन में आ जाए। और कंडीशन क्या हो सकती है? पाई बॉन्ड क्या करे? पाई बॉन्ड के साथ ही कंजुगेशन में आ जाए, ऐसे। ठीक, और सिक्स कंडीशन क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर कंजुगेशन। ठीक, इसमें भी रेजोनेंस होगा। सेवंथ क्या होती है? वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। कोई डाउट है क्या? समझ आ रही बात? अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा, जैसे मैं स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा रेजोनेंस में, तो वहां पे कभी तो ऐसे एरो बनाऊंगा, ये डबल, और कभी ये सिंगल एरो बनाऊंगा ऐसे, ठीक, और कभी बीच में मैं दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ये बनाऊंगा। इनका मतलब क्या है? इसका मतलब है माइग्रेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, कि दो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहे हैं। इसमें क्या है? इसका मतलब माइग्रेशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, माइग्रेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और ये जो बनाया जाएगा, ये दो जो अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, उनके बीच में ये सिंबल दिखा जाएगा। ये दिखा रहा है कि हम ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, यानी ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। किसी को कोई डाउट, दुख, दर्द, समस्या नहीं है ना, तो जल्दी से नोट डाउन करके दिखाओ। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज वाला, देखो क्या होता है, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हम लोग हैं ना, जैसे ये कार्बन है, ठीक, इसने दो तो बॉन्ड बना रखे, मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ, और दो ये इधर भी हाइड्रोजन के साथ। हम मान लीजिए होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब समझते हो आप? जैसे इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब होमोलिटिक क्लीवेज, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चला जाए, तो यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? दो। तो हम ओनली इसको लोन पेयर दिखाएंगे ऐसे, है ना, ठीक, ये है। अब आगे कार्बन में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ,
और जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज क्या, जैसे हम क्या ले लिया, मान लीजिए CH3OH हमने ले लिया। अब इस केस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब ये है कि वो दो इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास रहेंगे, किसी के भी पास, तो उनमें से एक, इसमें से मान लीजिए एच प्लस चला गया तो अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया, तो अब ऑक्सीजन के पास एक खुद का इलेक्ट्रॉन तो था ही एक, है ना, अगर ये बॉन्ड टूटता। हाइड्रोजन भी अपना छोड़ गया, और जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी और का आता है तो क्या आता है, एक नेगेटिव चार्ज आता है। समझ आई कि नहीं आई बात, कोई डाउट है या किसी को? ठीक है, इसलिए नेगेटिव चार्ज आया, जब कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। समझ आ रही बात? आगे बढ़े भाई, करें रेजोनेंस कैसे होगा, है ना, एक एक कंडीशन में अब रेजोनेंस देखते हैं, है ना। लिख लो टाइप ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, अभी हमने जो 7 सिस्टम किए थे इनको एक एक को करेंगे। सबसे पहला हमने क्या किया था, पाई डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, यही किया था, ठीक। अब इसमें कैसे होता है इसमें देखते हैं। देखो इधर होता क्या है, जैसे करें भाई, मान लीजिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, अब देखो कोई लिखेगा नहीं, अब ध्यान से देख लो, ये समझ नहीं आएगा, नहीं रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो सकता है। सॉरी, ये क्या है, कंजुगेशन में है। अब देखो मूवमेंट किस तरफ होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ पे तो सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाएंगे भाई, जहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा, या वैकेंट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पाई वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये मूवमेंट होगा। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिखा दिया, ये मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन दिखाया मैंने, और यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो इसकी तो वैलेंसी पूरी है, अब इसकी भी पूरी हो गई, लेकिन इस पर कमी रह गई, तो इस पर क्या शो करेंगे, पॉजिटिव चार्ज। समझ आई कि नहीं आई बात? और इन दोनों का अब देखो उल्टा, अगर मैं वापिस ये कर दूँ तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी, या आपस में ऐसे चेंज होती रहेंगी। और जब इन कंडीशंस का हमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, क्या बनाना है, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो सारे एटम अपने प्लेस में लिख लो, और जहां जहां पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, डबल बॉन्ड मूव किया, वहां वहां पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा देंगे, और जहां जहां चार्ज मूव किया वहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो कर देंगे। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? बोलो भाई डाउट है क्या? समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अगर हम यहाँ पे यह बात करें, जैसे CH2 प्लस है और यहाँ पे मैंने कर दिया CH डबल बॉन्ड O, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसको इधर ऐसे मूव करा देंगे, ठीक। और फिर क्या होगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH ऑक्सीजन पे, अब क्या हो गया, ऑक्सीजन पे से ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट यहाँ हो गया, ठीक। तो अब क्या ये पॉसिबल है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कभी भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं और किसी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और रेजोनेंस करा के हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर दें, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। समझ आ रही बात? तो ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बनाएंगे। समझ आई बात? ये ध्यान देने वाली बात थी। तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, ये आगे भी काम आएगा, आगे जब हम पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसा एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ये वाला है, तो यहाँ पे आप मूवमेंट कैसे कराओगे, ये ऐसे, और आप बोलोगे कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर ऐसे दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है, तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। समझ आ रही बात? तो हम रीजन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, दोनों का ही रीजन लिख रहा हूं मैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। समझ आई कि नहीं आई बात? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? समझ आया? बोलो भाई। अब नेक्स्ट करते हैं सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन करें। अब सेकंड कंडीशन में क्या होता है, कौन सा था,
डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन। ठीक, इस केस में क्या होता है, देखो डबल बॉन्ड में जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे CH2 के ऊपर माइनस है, तो क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा या पाई इलेक्ट्रॉन उधर मूव करेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर उधर मूव करेगा, उधर तो पहले ही इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज इसलिए है, तो ये मूवमेंट गलत हो जाएगा। हम ये वाला मूवमेंट कराएंगे, ये जैसे ही यहां मूव करेगा तो इस कार्बन में तो दो बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन का एक कार्बन कार्बन का था, चार बॉन्ड पहले ही थे, ये बॉन्ड आएगा तो पांच हो जाएंगे, तो जैसे ही ये बॉन्ड टूट जाएगा और फिर ये ऐसे बना देंगे इसका स्ट्रक्चर। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे CH2 यहां पे माइनस चार्ज CH डबल बॉन्ड CH2 और वापिस अगर ये इस तरफ चला जाए ऐसे और ये इधर मूव कर जाएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, फर्स्ट वाला। समझ आ रही है रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं? तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, जहां जहां पाई बॉन्ड मूव किया उसको पार्शियल पाई बॉन्ड दिखा दो और जहां जहां नेगेटिव चार्ज आया वहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखा दो। समझ आ रही कि नहीं आ रही बातें? नेक्स्ट नंबर थर्ड में क्या करेंगे बोलो, डबल बॉन्ड एंड क्या किया था, लोन पेयर कॉन्जुगेशन। जैसे मान लीजिए यहां पे ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये है, यहां पे CL लगा लो, चल चाहे OH लगा लो वो भी ठीक है, ये CL लगा दिया मान लीजिए आपने, ठीक है। अब मूवमेंट उस तरफ तो हो नहीं सकता, अभी मैंने बताया था आपको, क्योंकि क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, तो ये मूवमेंट किस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा, ऐसे ये इधर चलेगा ऐसे। समझ आ रही कि नहीं आ रही बातें? सॉरी। तो अब क्या होगा, ये ऐसा होगा तो यहां पे CH2 CH यहां पे CL पे ये लोन पेयर, यहां पे दो ऐसे बचेंगे और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। समझ आ रही बात, कोई डाउट है क्या? तो जहां जहां पाई बॉन्ड मूव किया वहां वहां क्या बना दोगे रेजोनेंस हाइब्रिड में, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहे हैं आपके। यहां पे जहां पे पॉजिटिव चार्ज था वहां पार्शियल पॉजिटिव, जहां पे नेगेटिव था वहां पार्शियल नेगेटिव। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, जितने भी बनाओगे, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेट चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जीरो नहीं सेम। जैसे इसमें देखो, इसमें कितना था टोटल चार्ज, प्लस वन, इसमें भी प्लस वन, इसमें कितना नेट चार्ज, नेट चार्ज, इसमें इसमें प्लस वन माइनस वन जीरो। समझ आई कि नहीं आई मेरी बात? तो हमेशा ऐसा होगा। दूसरा मैं बात लिखवा दूंगा आपको, अभी समझा रहा हूं स्ट्रक्चर से, कहीं भी चेक करना आप। एक बात यह होती है कि नेट चार्ज सेम रहना चाहिए सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। एक बात यह होती है कि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टू, इसमें इसमें यहां पे टू, तो यह है, ये भी तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, जो पाई बॉन्ड बना रहे वही तो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं भले ही वो लोन पेयर है, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, टू और टू, टू और टू, यहां पे टू और टू, टू और टू। हम ऐसा नहीं बोल सकते टू इसके और सिक्स इसके, एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। नहीं समझ आई मेरी बात, कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े फिर, देखो इधर देखो, आ जाएगा ना सारा, इधर कर दूं। नंबर फोर्थ में हमें क्या करना रहेगा, देखो डबल बॉन्ड एंड क्या, ओड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, ये कर रहे थे हम लोग। तो अब देखो, ये मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे CH2 के ऊपर मान लेते हैं फ्री रेडिकल है, तो अब क्या होगा, ये फ्री रेडिकल, अब मूवमेंट इधर नहीं होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन होंगे उधर कभी भी मूवमेंट नहीं होगा, है ना, कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन का। तो अब क्या होगा, यहां तो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम इधर से इधर इस पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो ओनली एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराएंगे, एक का इस तरफ हो जाएगा। समझ आ रही बात? और देख लो, मैंने सिंगल एरो दिखा दिया इस बार, ठीक। तो यहां से क्या बनेगा, यहां पे CH2 CH और ये दोनों ओड इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन यहां पे क्या रह जाएगा, एक ओड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। समझ आ रही बात? और वापिस ये ओड इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए
और ये ओड इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और इसका ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए तो वापस वो कंडीशन बन जाएगी। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, CH2CH CH2। जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड बना वहाँ वहाँ पार्शियल पाई बॉन्ड, और जहाँ जहाँ ओड इलेक्ट्रॉन था वहाँ पार्शियल ओड इलेक्ट्रॉन। मेरी बात मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी आपको, नहीं समझ आ रही नेक्स्ट आगे बढ़े फिर, अगर आ गई तो बोलो भाई। अब देखो फिफ्थ में क्या आएगा, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये लिखते रहना वैसे कि रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहे हर जगह, है ना, दीज आर रेजोनेंस हाइब्रिड, दीज आर रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो अब देखो ये बना दिया मान लीजिए मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब देखो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हो सकता है इधर मूव कर जाए या उधर मूव कर जाए। अभी आगे जब जाके हम स्ट्रक्चर्स में देखेंगे तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूवमेंट होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरफ होगा अगर आपको समझ में ना आए, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसमें तो कॉमन कर रहे हैं हम, ये इधर मूव करेगा तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे CH2CH यहां CH और यहां आ जाएगा पाई बॉन्ड और CH2। अब इसके ऊपर ये पाई इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज, और इसके इसके ऊपर क्या ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया पॉजिटिव चार्ज। देखो इस पे नेट चार्ज कितना है, इस पे नेट चार्ज कितना है, इस पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 और 2 4, और इस पे 2 और 2 4। कांस्टेंट रहेगा हमेशा, कभी भी चेक करना, अगर कांस्टेंट नहीं आता तो आपका सही नहीं है। ठीक, तो अब देखो अगर वापस ये इधर आ जाए तो वापस ये इधर चला जाएगा और वो वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को, तो हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे भी बना सकते हैं CH2 CH CH CH2। तो इस केस में क्या होगा, यहां पे पाई बॉन्ड था पहले, नया यहां पे बना, पहले यहां पे था, यहां पे नेगेटिव चार्ज आया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया। कोई डाउट है क्या, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, समझ आ रहा है। नंबर सिक्स कंडीशन क्या होगी बोलो, क्या डबल बॉन्ड तो हो गया ना खत्म, पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर कॉन्जुगेशन, जैसे हम करते हैं। मान लीजिए यहां पे मैंने ऐसा किया CH3 CH+ ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3, ये ऐसा कर दिया मान लीजिए। तो देखो इसको वैकेंट ऑर्बिटल की, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर की जरूरत, इसके पास लोन पेयर है। तो और केमिस्ट्री में हमेशा यही होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे को अगर जरूरत हो वो दे देता है, समझा रही बात। तो एटम बेचारे भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, जिसको जरूरत पड़ती है दे देते हैं, इंसान के जैसे बिल्कुल भी नहीं है, है ना, जिसको जरूरत पड़ेगी उसका तमाशा देखेंगे, ऐसा ही तो है मार्केट में दुनिया में, है ना, जिसको जरूरत पड़ती है उसका तमाशा देखते हैं। देखो इधर देखो अब क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, उसका प्लस चार्ज इसने ले लिया। क्या ये पॉसिबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है पॉजिटिव चार्ज, अरे मोर लियन एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, तो ऑक्टेट चेक करो ना, पॉजिटिव चार्ज तो आ ही सकता है, दो बॉन्ड तो यहाँ बनाए, एक बॉन्ड ये बना रखा, तीन बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तीन बॉन्ड में, एक लोन पेयर 6 8 हो तो गए, नहीं समझ आई, थ्री बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा तो भले ही पॉजिटिव चार्ज आता रहे, नहीं समझ आ रही बात। तो ये पॉसिबल है, वहां पे पॉसिबल इसलिए नहीं था, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, चेक कर लो, दोनों केस में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, किस पे, ऑक्सीजन पे। तो ये क्या आएगा, CH3 CH O CH3, यहां यहां डबल बॉन्ड आया, यहां यहां पॉजिटिव चार्ज आया, नेट पॉजिटिव चार्ज चेक करो, प्लस वन, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे 2 और यही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये भी 2, ऐसा बोल दो पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर टोटल जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका टोटल सम हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, समझ आया गुड़िया, नहीं पक्का, आगे बढ़े। 7th नंबर, वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। इस केस में क्या होता है, देखो
जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये CH2 है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके बगल में लगा है ये सल्फर एटम और यहाँ पे CH3 है। अब देखो इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो इन लोन पेयर का मूवमेंट इस तरफ तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी कार्बन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। समझ आई कि नहीं आई बात? तो इधर तो मूवमेंट हो नहीं सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, उधर मूवमेंट कराएंगे। क्या उधर पॉसिबल है? उधर भी तो ऑक्टेट कंप्लीट है, दो सिग्मा और चार इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर में चार इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गया। तो फिर भी हम ऐसा मूवमेंट करा सकते हैं, रीजन बताओ क्यों? क्योंकि सल्फर के पास क्या है, वैकेंट 3D है, वैकेंट 3D ऑर्बिटल है। कोई डाउट है क्या? तो जैसे ही ये मूवमेंट होगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड S और यहाँ पे CH3, ठीक, ये भी रह जाएंगे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। समझ आ रही बात? और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा, CH2 सल्फर CH3, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। समझ आई बात? अब नेक्स्ट क्या आता है, CH2 प्लस है, मान लीजिए यहाँ प्लस होता और यहाँ सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन है और ये CH3 है, इस बार मैंने कार्बन पे प्लस ले लिया, तो जरूरत पड़ने पे सल्फर के पास अगर लोन पेयर है, भले ही वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो दे सकता है उसको, तो ये इसको दे देगा। अच्छा यहाँ पे ये सिंबल भी जरूर दिखा देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड सल्फर के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा ये CH3। अब देखो चेक करो पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सारे एटम्स का चेक करो, इसका भी कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे इनकम्प्लीट था, बल्कि ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो। मैं कल ये कराऊंगा आपको कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बन जाएगा, CH2 सल्फर CH3, ठीक, और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आया था, ये पार्शियल पॉजिटिव एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, कर सकते हो। ऐसे ही जरूरी नहीं है कोई थर्ड पीरियड का और एलिमेंट दे दे, लाइक आपको सल्फर दे, ये दे दिया आपको, फास्फोरस दे दिया, तो यहाँ पे लोन पेयर होते हैं इसके पास फास्फोरस के पास, और ये ऐसा केस है, तो इस केस में भी यहाँ ये बन सकता है, बना लोगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड P लोन पेयर, पहले से ये नेगेटिव चार्ज और आ गया CH3। अब इसके ऑक्टेट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 2, 4, 6, 8, 10 है ना, समझ आई बात, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल होता है, वो ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है। तो ये 7 कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे रेजोनेंस होता है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कोई डाउट है क्या किसी को, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। यहाँ देखो क्या हो गया, इस पे दिखा दिया ना मैंने नेगेटिव चार्ज, इस पे तो आया पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव ना, और इस पे नेगेटिव आया ओनली, है ना, ऐसा, ठीक है, कर लो जल्दी से। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ये सभी वीडियो लेक्चर आपको बीवाइज क्लासेज यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। डेली एक लेक्चर आएगा मंडे टू सैटरडे। लेक्चर का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। इधर देखो, अब देखो रूल्स फॉर रेजोनेंस, नेक्स्ट पॉइंट है रूल्स फॉर रेजोनेंस। सबसे पहला रूल क्या होता है, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। जैसे हमने देखा था बेंजीन रेजोनेंस शो कर रहा है, तो हम क्या कह रहे थे कि ये इसमें बेंजीन में जितने भी ये होंगे, ये देखो सारे कार्बन क्या होंगे,
SP2 हाइब्रिडाइज होंगे, चाहे बेसिक चेक कर लो। ठीक, अगर आप इसमें चेक करेंगे ये वाला, इसमें भी सारे कार्बन क्या है, sp2 sp2 sp2। अगर आप यहां पे ये बात करेंगे, जहां पे रेजोनेंस हो रहा है उसकी बात करते हैं ना ओनली, ठीक, CH3 CH+, ये दोनों रेजोनेंस शो कर रहे हैं, इन दोनों में रेजोनेंस होगा, इसकी बात नहीं करेंगे जहां पे रेजोनेंस हो रहा है। ये तो sp2 नजर आ रहा है आपको, लेकिन ये दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर sp3 नजर आ रहा है। तो मैंने पीछे लिखा था आपको, लोन पेयर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस आर नॉट कंसिडर्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। सो ये भी टू बॉन्ड पेयर प्लस वन लोन पेयर क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी। समझ आ रही बात? तो जो जो एटम जहां जहां रेजोनेंस हो रहा है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। लिख लो, एग्जांपल लिखना चाहो तो। अभी जब हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे, क्या किसी एटम का मूवमेंट हुआ, है ना? नहीं हुआ ना, तो किसका हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, लोन पेयर का, ओड इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का। लिख लो, एटम्स रिमेन इन दियर पोजिशन, एटम्स रिमेन इन दियर पोजिशन, ओनली डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और क्या बोलेंगे, लोन पेयर ओड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज टेक प्लेस ड्यूरिंग रेजोनेंस। एटम्स रिमेन्स इन दियर पोजिशन, ओनली डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रेजोनेंस। समझ आई बात? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, सम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस रिमेन सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर रिमेन सेम इन ड्यूरिंग रेजोनेंस रिमेन सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का सम अगर चेक करेंगे क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए कोई भी बात कर ले, जैसे कोई एग्जांपल लो, आप मान लीजिए आपने ये लिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, ठीक, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये ऐसे मूव करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे क्या आएगा बताओ, या एक काम कर लो आप, एक बार इसकी बजाय ये वाला बना लो, इसमें साफ साफ दिख जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, इसमें ये मान लीजिए ये मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें क्या आएगा, CH2 प्लस आएगा यहाँ पे, CH अभी हमने पीछे देखा, CH CH2 माइनस आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और 2 4, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 2 और लोन पेयर 2, टोटल कितने हो गए, 4, ठीक, सेम आ रहा है ना। तो ऐसे ही एक पॉइंट और लिख लो, फिर साथ में लिख लेना एग्जाम्पल, नेट चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिमेन सेम, नेट चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिमेन सेम, लिखा भाई, ठीक है। जैसे इस पे नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज बोलना इस पे 0, और इस पे नेट चार्ज बताओ भाई 0 है कि नहीं है, कोई डाउट है क्या? तो ऐसे एग्जांपल कर सकते हो, और एग्जांपल कराऊं क्या, बोलो करवाऊं क्या, देख लो अगर देखना चाहो तो। जैसे मान लीजिए हम ये कर रहे हैं, ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ये रेजोनेंस ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज यहाँ पे ये, ठीक, तो यहाँ पे देखो टोटल कितना आएगा, यहाँ पे लोन पेयर मूव किया तो लोन पेयर यहाँ पे एक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर में, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, ठीक,
वैसे भी अगर आप टोटल सम भी करोगे ना सभी लोन पेयर का, अगर हम ऐसे भी करेंगे ना टोटल सम सभी लोन पेयर का पूरे मॉलिक्यूल में, तो इसमें टोटल लोन पेयर कितने हैं? दो, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? फोर। और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन दो हैं और दो लोन पेयर, वो भी सेम आएगा, ऐसा भी बोल सकते हो आप, वो कोई जरूरी नहीं है टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस लिखना। समझ आ रही बात? तो अब देखो इस पे नेट चार्ज कितना है? वन। इस पे भी नेट चार्ज कितना है? प्लस वन। प्लस वन बोलो बल्कि। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या? लिखाइए। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखा करें भाई, लिखो ऑक्टेट ऑफ, ऐसा लिख लो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव शुड कंप्लीट हैव शुड हैव सॉरी दोबारा लिखो, दोबारा करो, क्या अभी नहीं आएगा वो? लिख लो, ऐसा लिख लो सीधा, एक सिंपल लिख लो, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉलो ऑक्टेट रूल, ठीक है, लुईस ऑक्टेट रूल, सिंपल ये लाइन लिख लो। समझ आ रही बात? जैसे इसका एग्जांपल लिख लो, यहाँ पे है जैसे CH2+CH OH, तो यहाँ पे आपने क्या किया, मान लीजिए ये वाला रेजोनेंस दिखा जो हमने पीछे भी किया था, ये वाला, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ये अगर ऐसे मूव करता तो ये नहीं बनेगा, लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप नया स्ट्रक्चर बना रहे हो और उससे ऑक्टेट इनकम्प्लीट आ रहा है, तो वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? लिखा सबने यहाँ तक? ठीक है, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, तो पाई इलेक्ट्रॉन और हाँ रेजोनेंस में सेम ही मानते हैं, ठीक है, समझ आया? ये करवाया था पीछे, अरे यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, देखो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट था इसका, इसका चलो इनकम्प्लीट था, आपने यहाँ से रेजोनेंस कराया, अब उसका इनकम्प्लीट कर दिया, तो सही थोड़ा है, लुईस ऑक्टेट रूल का फॉलो किया इसने, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो कभी होना ही नहीं चाहिए। समझ आ रही बात? तो अगर है दिया गया तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम नहीं मानेंगे, और अगर कंडीशन पूछ रहा है कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसको सबसे कम स्टेबल मानेंगे। ये रूल्स लिखवाऊंगा मैं आपको, फिर और समझ में आ जाएंगे, कल करेंगे ना जब, ठीक है। नेक्स्ट करें क्या? रेजोनेंस एनर्जी बोल रहे थे, लिखो फिर रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है पहले समझ लो एक बार, रेजोनेंस एनर्जी को इसको हटा दूं, रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म, ये होती है कैनोनिकल, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लो कैनोनिकल स्ट्रक्चर। समझ आई बात? कोई डाउट है क्या? आपको ये तो पता ना, रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजेशन फिनोमिना, स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है ना, ठीक। अब देखो जैसे क्या होता है, मान लीजिए मैंने ये बनाया, ये स्ट्रक्चर है, ये कैनोनिकल फॉर्म है, इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो मैं ये वाला बनेगा, ठीक, जो लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर होता है, अभी पीछे आपने देखा था ना, ये बनेगा ना ऐसे इसमें रेजोनेंस, तो अब इसकी एनर्जी होती है कम, एक्चुअल में जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, मान लीजिए किसी कैनोनिकल फॉर्म की एनर्जी यहाँ पे ये थी, और उसमें से मान लीजिए घट करके मतलब निकलेगी नहीं कभी एनर्जी इसमें, ठीक। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी ये है, ये किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की थी, तो ये वाली जो एनर्जी है, ये गैप जो है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। समझ आई बात? अरे एक्चुअल में हम इसमें ऐसा सोचते हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही होगी, तो एनर्जी रिलीज नहीं होती है, आपको लग रहा होगा कि इसको देख के कि रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो रही है, डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पे हम एनर्जी का डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी है और ये रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है, तो ये गैप ही रेजोनेंस एनर्जी है ना, क्योंकि रेजोनेंस एक स्टेबलाइजेशन फिनोमिना है, ठीक है।
तो जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। नहीं समझ आई? एक छोटा एग्जांपल और समझाता हूं मैं आपको। ये हम है ना, आगे जाके इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जब थर्मो में पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे उस पर हम, तो न्यूमेरिकल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा थर्मोडाइनिक में करेंगे। ठीक, देखो क्या होता है, यहां पे मान लीजिए दिस इज ए साइक्लोहेक्सेन, ठीक, साइक्लोहेक्सेन सॉरी, इस साइक्लोहेक्सेन की एनर्जी मान लीजिए इसकी 20 किलो जूल पर मोल है। ठीक, तो अगर हम थियोरेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो अगर इसको हम क्या कर देंगे, इसमें से तीन हाइड्रोजन घटा देंगे, इसमें दो हाइड्रोजन और घटा देंगे, 2H2 मॉलिक्यूल, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा अपना। ठीक है, तो अब हम क्या सोचेंगे, अगर इसके साइक्लोहेक्सेन की अगर एनर्जी 20 रही है तो साइक्लो ट्राईहेक्सेन की कितनी रही होगी? जैसे आप ऐसा सोचो, ये है ना, ऐसा सोचो एक बार, आप यहां पे ये था साइक्लोहेक्सेन है, इसमें से मैंने एक H2 हटा दिया तो क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। इसकी एनर्जी मान लीजिए 20 है, 20 किलो जूल पर मोल, फॉर एग्जांपल। अब मैं बात करूं इसमें से मैं कितने मॉलिक्यूल निकाल दूं, 3H2 मॉलिक्यूल निकाल दूं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे ऊपर वाली रिएक्शन को देख के, इसकी एनर्जी कितनी होगी? 60 होगी। क्या बोला आपने? 60 किलो जूल पर मोल। लेकिन हाँ, थियोरेटिकली तो यही होगी, अगर थियोरेटिकल एनर्जी बात की जाए, थियोरेटिकली तो यही होगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि इसकी जो एनर्जी होती है वो मान लीजिए ऐसा बोल दीजिए 54 होती है, फॉर एग्जाम्पल 54 किलो जूल पर मोल। तो ये जो एनर्जी गैप आया ना, थियोरेटिकली जो आपने सोचा था, तो यही रेजोनेंस एनर्जी है। तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी है? 6 हो गई। तो यहाँ पे दिस इज रेजोनेंस एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ये हम थर्मो में न्यूमेरिकल करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं लिखवाऊंगा ना आपको, समझाऊंगा जब, तो ऐसा ही केस वहाँ पे बनाएंगे, कोई डाउट है क्या? तो होनी तो थियोरेटिकली आपके हिसाब से 60 चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल इतनी है। या आप रेजोनेंस एनर्जी को हम ये भी तो लिख सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू थियोरेटिकल एनर्जी माइनस प्रैक्टिकल एनर्जी, एक्सपेरिमेंटल एनर्जी। तो ये जो वैल्यू आएगी एक्सपेरिमेंटल एनर्जी, ठीक है, या एक्सपेरिमेंटल माइनस थियोरेटिकल बोल सकते हो। ठीक है, हमसे ओनली वैल्यू पूछी जाती है, कोई डाउट है क्या? प्लस माइनस की जरूरत नहीं होती यहाँ पे। ठीक, जैसे आप ये मानो, अगर यहाँ पे हम बात करें, इधर देखना एक बार, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी, और फिर बात की जाए एक इसकी रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, और एक कंपेयर किया जाए इसकी रेजोनेंस एनर्जी, इन तीनों में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी होगी? जिसमें रेजोनेंस सबसे ज़्यादा होगा। अब इसमें दो बॉन्ड का रेजोनेंस, इसमें तीन का, इसमें भी तीन का, लेकिन सबसे ज़्यादा फिर भी किसकी होगी? बेंजीन की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन है इसका, फिर ये ऑर्डर आ जाएगा, कोई डाउट है क्या? ठीक है, डाउट है, समझ आई बात? तो जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगा उसकी सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी। समझ आया कि नहीं आया? ये चीज़ें हम थर्मो में पढ़ेंगे सारी, ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। देखो देखो क्या होता है, लिखो क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग को आप कितने लिख दूं, WOF, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस इज पॉसिबल, पहला क्वेश्चन आपके लिए बन गया CH3CO CH2NH2। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH ट्वाइस CH2। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा ये वाला, फोर्थ नन। एक क्वेश्चन तो ये हो गया जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। सेकंड, यही सेम क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस इज पॉसिबल,
फर्स्ट इज रेजोनेंस इज पॉसिबल लिखा ना मैंने, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच CH2+, ठीक है, यहाँ पे अनन्य ऑल लिख लो यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे सॉरी NH3+ था, ठीक है भाई। फोर्थ थर्ड इज फोर्थ इज नन। एक क्वेश्चन इधर लिख रहा हूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। जल्दी से करो, देखो पहला क्वेश्चन कौन सा आंसर आएगा, थर्ड, ओनली थर्ड में होगा। देखो CH3 CO CH2 NH2 यहां पे कहीं पे है भाई कंजुगेटेड फॉर्म, उन सातों में से है कोई, इसका बना के देखो CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है कंजुगेटेड, लेकिन यहां तो है रेजोनेंस। समझ आया किस किस का ठीक था, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस इज पॉसिबल, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? आप सोच रहे होंगे यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे ऐसे मूव करा दूंगा तो यहां पे जैसे ही मूव कराओगे यहां पे पांच बॉन्ड बन जाएंगे, नाइट्रोजन कभी पांच बॉन्ड बनाता है क्या? तो इसमें तो नहीं होगा। इसमें देखो कंजुगेशन दिख रहा है कहीं पे, यहां पे पाई बॉन्ड, इसके बीच में दो सिग्मा, इधर भी दो सिग्मा, इनके बीच में भी दो सिग्मा, तो नहीं होगा इस वाले में, सेकंड वाले में। तो यहां पे कैसे होगा, बेंजीन में तो हो ही रहा है, बाकी यहां पे बोरोन पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये यहां भी शो कर सकता है, तो ओनली सेकंड में होगा। ठीक, इधर देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, इसमें रेजोनेंस हो सकता है? Yes, क्या आंसर आएगा इसका? फोर्थ पक्का? Yes, देखो बेंजीन में हो सकता है और यहां भी हो सकता है, क्योंकि ये तो क्या कर सकता है, पांच बॉन्ड भी बना सकता है, ये ऐसा भी तो हो सकता है PH3+ यहां आ जाए, फास्फोरस तो बना सकता है लेकिन नाइट्रोजन नहीं बना सकता, यहां पे तो नहीं होगा लेकिन बेंजीन में तो हो ही रहा है। Yes, आपको क्या मतलब उससे, और ये हमने पीछे देखा ही, इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें हमने पीछे देखा था जैसे ही आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो जाएगा, ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है। इसका थर्ड वाला सोचना कहां पे कंजुगेशन है, दो सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं बीच में, कहीं से भी चेक कर ले, पाई बॉन्ड के बीच में चेक कर ले, पाई बॉन्ड लोन पेयर के बीच में, पाई बॉन्ड लोन पेयर, एक सिग्मा दो सिग्मा, बीच में दो सिग्मा आने चाहिए क्या? नहीं समझा? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहां पे ये OH है, ठीक, फिनोल है, तो इसमें रेजोनेंस होगा बेंजीन रिंग का और ऑक्सीजन के लोन पेयर का, तो लोन पेयर हमेशा पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे, ना कि पाई बॉन्ड लोन पेयर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वहां पे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये ऐसे मूवमेंट होगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा इसका। देखो यहां पे तो पाई बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए, तो और यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये मूवमेंट कर रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां मूव कर सकता है, ये यहां जा सकता है? नहीं समझ आ रही बात? आता ना ये तो सबको,
देखो यहाँ पे नेगेटिव ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट मूव करें, ये वाला इधर मूव करेगा तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये वाला यहाँ मूव करेगा तो ये यहाँ मूव करेगा। बताओ भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा, डाउट है कोई? अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये यहाँ मूव करेगा तो ये यहाँ मूव कर जाएगा, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए वापस से? 5 बन गए। इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना तो कैसे बनाते हैं? जहां जहां चार्ज मूव किया वहां वहां पार्शियल चार्ज, और जहां जहां डबल बॉन्ड मूव किया वहां वहां पार्शियल डबल बॉन्ड। यहां आया था सब जगह, ठीक। और यहां पे माइनस आया, यहां पे माइनस आया, यहां पे माइनस आया, यहां पे प्लस आया था, ठीक। ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ऐसे ही अगर अपने को इसमें करना हो, यहां पे लोन पेयर था, लोन पेयर की जगह मैं नेगेटिव चार्ज रख दूं, सी एच टू माइनस कर दूं, क्या करोगे? ये नेगेटिव चार्ज यहां मूव करेगा बेंजीन रिंग की तरफ, और ये इधर मूव करेगा, तो क्या आएगा? देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड बना लेगा, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो ऐसे आप मूव करा दोगे सब, या मैं बनाऊं घर पे बना लोगे, या मैं बनाऊं सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे ना, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, एक केस और देखो। अगर यहां पे तो आप क्या कर रहे हो, बेंजीन की तरफ रेजोनेंस हो रहा है। अब बेंजीन से बाहर की तरफ किस केस में होगा? मान लीजिए आपने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाना है, तो अब देखो ये इधर भी पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड का मूवमेंट किस तरफ होगा? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये इधर मूव करेगा और ये इसको इधर खींचेगा। सोचो अगर हमने ये बना दिया एक बार, ये वाला बना दिया हमने, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पे वैलेंसी खत्म हो, यहां पे कम हो गया, तो ये वाला बॉन्ड क्या कर मूव कर जाएगा यहां पे, तो इसकी क्या हो जाएगी वैलेंसी पूरी, लेकिन अब इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा, और ये सेटिस्फाई करेगा तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता नजर आएगा आपको। यहां पे ये ऐसा बना रहे हो आप, ठीक, तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज जब यहां से ये मूव करेगा, तो क्योंकि इसकी वैलेंसी कम हो गई अब, तो फिर वापिस ये वाला मूव करेगा, तो ये वाला कैसे करेगा, यहां पे ये ऐसे आ जाएगा, यहां पे ये ऐसा, और यहां पे जब ये मूव करेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी वैलेंसी नहीं रहेगी। अब वापस क्या होगा, ये इस तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ, और ये लोन पेयर इधर आएगा फिर, तो ये क्या बन जाएगा वापस, ये वाला ये डबल बॉन्ड बना लेगा यहां पे, ये एच, और ये बॉन्ड यहां मूव कर जाएगा, और यहां ऑलरेडी बॉन्ड थे, ये बन जाएगा। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? 5 बन गए। और इसका भी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना तो कैसे बनाओगे? जहां जहां पाई बॉन्ड मूव किया वहां पे पार्शियल पाई बॉन्ड, और जहां जहां चार्ज मूव किया वहां पे पार्शियल चार्ज, पॉजिटिव पार्शियल, पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, और यहां पे पार्शियल नेगेटिव आया था। समझ आई बात? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? कर लोगे ऐसे? समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही अब हम इसका भी बना सकते हैं, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे, बस आपको मूवमेंट बताना है एक बार, फिर तो आप स्ट्रक्चर को उसको मूव कराते रहोगे ना पाई बॉन्ड को। अब मूवमेंट किस तरफ होगा? बेंजीन की तरफ, या बेंजीन से बाहर की तरफ? बाहर की तरफ, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल इधर है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बना लोगे आगे? अब यहां पे ये क्या करेगा, यहां तो बन गया सी एच टू, और ये पाई बॉन्ड ऐसे है, तो जब यहां से ये मूव करेगा यहां वैकेंसी आ जाएगी, है ना, या वैलेंसी कम होगी, वैलेंसी कम होगी तो पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे फिर इसको यहां मूव करा दोगे, फिर इसको, फिर वापस वही स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी 5 बनेंगे, घर पे बना लोगे। एक बात बताओ, बेंजीन में आपने जो नेगेटिव चार्ज था या पॉजिटिव चार्ज था, इन दोनों केस में जो हमने पूरे बना रखे, कौन सी पोजिशन पे मूव किया? ऑर्थो और पैरा। क्या मेटा पोजिशन पे हुआ? तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में? रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ओनली। इन बेंजीन रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ओनली। पहले ये लिख दो, मैं लिखवा दूंगा फिर। कुछ नहीं हो रहा, ये लोन पेयर है,
हमेशा मूवमेंट किस तरफ होगा, लोन पेयर से पाई पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ, पाई बॉन्ड की तरफ, है ना, नेगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड की तरफ इस केस में भी, और हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा, या ऐसा, या लोन पेयर का भी शिफ्ट पाई उसकी पाई पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, या हमेशा बोलते मोर पोलर पाई बॉन्ड की तरफ किसका होगा, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, पाई पाई बॉन्ड आ गया तो जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है उस तरफ शिफ्टिंग होगी। समझ आई कि नहीं आई? तो हम इसमें ऐसे एक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे इसमें बनाया हमने, यहाँ पे लोन पेयर मूव किया तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये जैसे ही यहाँ आएगा इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो कार्बन की वैलेंसी 5 तो हो नहीं सकती, तो ये पाई बॉन्ड टूट के आगे चला जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड इस ऑर्थो पोजिशन पे आ गया और इसने पाई बॉन्ड बना लिया और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नहीं समझ आई बात? फिर वापस ये क्या कर सकता है, आगे मूव कर सकता है क्योंकि इसके साथ कंजुगेशन में है, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, ये इधर आएगा फिर ये आगे मूव कर जाएगा, फिर इसके बाद फिर ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कंजुगेशन में, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेगा, ये फिर यहाँ पे आगे चला जाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 तो कहीं भी नहीं हो सकती, ठीक। फिर आगे क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये इधर मूव कर जाएगा, ये वहाँ पे मूव कर जाएगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। सभी स्ट्रक्चर में नेट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सेम, सॉरी नेट चार्ज पॉजिटिव नहीं, देखो इसमें 0 था, प्लस माइनस 1 0, प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 0। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? वैसे ही इसमें करेंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज है, उसमें लोन पेयर मूव कर रहा था, तो नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ, पाई बॉन्ड की तरफ, तो ऐसे आगे चलता रहेगा। इस केस में ये पाई बॉन्ड है तो दोनों पाई पाई बॉन्ड है, तो मूवमेंट मैं इधर भी करा सकता था, इधर भी करा सकता हूं। अगर आपने सोचो एक बार, इधर देखना सारे, अगर मान लीजिए ये मूवमेंट इधर ना करा करके आपने इधर कराया होता, उल्टा ऐसे ऐसे करवाया होता यहां पे, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां जाता और ये पाई बॉन्ड यहां आता और ऑक्सीजन पे, क्या ये बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसलिए जो हमने मूवमेंट कराया था वो सही था। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज नहीं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। ये मूवमेंट ऐसे ही सही है, बना के देखना, कर लोगे ऐसे सारे। तो फिर नेक्स्ट लिखो, एक लाइन लिख लो नोट डाल के। आपने क्या देखा, जब भी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा था बेंजीन में, ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे हो रहा ओनली, तो लिखो इन बेंजीन रेजोनेंस टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ओनली, नॉट एट मेटा, मेटा पे नहीं होगा। इन बेंजीन रेजोनेंस टेक्स प्लेस ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन होगा। अब लास्ट इक्विवेलेंट रेजोनेंस सुना आपने, इक्विवेलेंट रेजोनेंस देखो क्या होता है, जैसे ये H2CO3 है, सुना ये, तो ये 2H+ दे देगा तो क्या बनेगा, 2H+CO3 2-, और ये जो CO3 2- आपका बन रहा है ना, तो इसमें देखो दिस इज CO3 2-। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ये पाई बॉन्ड यहां चला जाए, ठीक, ये पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो ये ऐसे नहीं कर लेगा यहां पे। अब बिल्कुल जीरो से देखो, क्योंकि आप मुंह बना रहे थे कि आपको आता नहीं है, इधर देखो क्या 5 बॉन्ड बन सकते हैं, यानी 5 बॉन्ड नहीं बनेंगे, ये यहां आएगा तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, यहां पे जाएगा। बताओ भाई कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट अगर करें, नेक्स्ट कैसे करेंगे, यहां पे कैसे करेंगे बोलो, ये वाला है देखो इधर, तो ये वाला इधर मूव कर जाएगा तो वापस ये वाला इधर आ जाएगा, तो यहां पे नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी यहां पे तो डबल बॉन्ड और यहां पे नेगेटिव। तीनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप में तीनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? एक जैसे है ना, प्लेनर मॉलिक्यूल है, कहीं से भी देख लो, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, कहीं से भी देख लो, एक में पाई बॉन्ड, दो पे नेगेटिव चार्ज, एक में पाई बॉन्ड, दो पे नेगेटिव चार्ज, एक में पाई बॉन्ड, दो पे नेगेटिव चार्ज, और है भी तीनों राउंड में ऑक्सीजन एटम, तो तीनों क्या है, ये इक्वल स्ट्रक्चर है ना, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने चलोगे आप, तो ऐसा बना देंगे जहां जहां पाई बॉन्ड मूव किया वहां वहां डॉट बना दो, सही है ना, और जहां जहां नेगेटिव चार्ज मूव किया ऐसे बना सकते हो, डेल माइनस, या आप ऐसा भी बना सकते हो इसको कि ये ऐसे में भी कोई दिक्कत नहीं है,
ये पार्शियल पाई बॉन्ड बना दिया आपने और टोटल चार्ज माइनस टू था, तो तीन आइटम में हो गया माइनस टू बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री। या ऐसे ही बना सकते हो, तीनों को बना दो यहां पे ऐसा, ये पार्शियल पाई बॉन्ड, पार्शियल पाई बॉन्ड, पार्शियल पाई बॉन्ड, और इसके ऊपर नेट माइनस टू दिखा दो, ये भी ठीक है, कोई भी दिखा दो ठीक, तीनों ही सेम है किसी भी उसमें, ये नहीं कि ओनली इसमें, किसी में भी। समझ आया कि नहीं आया? अब देखो क्या होता है, ये थ्री इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, हमेशा जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज होगा। और जैसे हम बेंजीन में पीछे कितने बना रहे थे, अभी फिनोल में बनाया हमने, फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, इसमें तीन बनाए, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल किसको बोलेंगे? ये वाला, क्योंकि हमेशा इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। मैं लिखवा दूंगा ये, इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन नॉर्मल रेजोनेंस, ये बात लिखवा दूंगा मैं लास्ट में। तो कभी भी आपको इक्विवेलेंट रेजोनेंस नजर आ जाए, बाकी में चाहे कुछ भी हो रहा, तो इसको प्रायोरिटी देंगे। समझ आ रही बात? तो एक एक और कर लेते हैं, जैसे ये लिखते हैं हम सी एच थ्री सी डबल ओ एच, करते हो कि नहीं करते? इसमें क्या बनेगा, सी एच थ्री सी ओ माइनस प्लस एच प्लस, ये बनता है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने चलोगे आप, ये बनेंगे, कितने बनेंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे सी एच थ्री ओ माइनस और ये, तो दोनों इक्वल स्ट्रक्चर है कि नहीं है? तो क्या बोलोगे, टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा सी एच थ्री ओ ओ, यहाँ पे क्या करोगे, डेल माइनस और जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड आया वहाँ पाप पाई, ठीक है? कोई डाउट है क्या? अब मैं नोट लिख देता हूँ यहाँ पे, नोट, इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज ऑलवेज मोर इफेक्टिव देन, क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेजोनेंस, इसको प्रायोरिटी दी जाएगी हमेशा। अब अगर कभी भी कंपैरिजन करना पड़ जाए, कर लोगे? कोई डाउट है क्या भाई? तो जल्दी से नोट डाउन कर लो और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है भाई? कल हम बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे, लोकलाइज एंड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन और स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है? कल ये पढ़ना अपने को, समझ आ रहा है? ठीक है, थैंक यू भाई।